बलिया के सलेमपुर लोकसभा के मनियर नगर पंचायत में बीजेपी सांसद रविंद्र खुशवाहा विकास कार्यों से मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि सांसद जीत कर जाने के बाद जनता से कभी मिलने नहीं आते हैं। लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, अरे विकास का माने यही ना कि नाली रोड खड़ंजा, विकास तो इसी को कहते हैं जी। और सरकारी लाभ इसको कहते हैं कि जैसे आवास हुआ, अनाज हुआ, है कि नहीं। पहले चोरी डकैती होती थी, अब चोरी डकैती बंद हो गया, दंगा होता था और सरकारों में, इस सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दंगा नहीं हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। कितना खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं, इस बात से खुश हैं कि योजना तो पहले भी थी सर, सरकारी लाभ, सरकारी योजना पहले भी थी इंदिरा आवास, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता था। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि कम से कम एक एक घर में जा करके योजना का लाभ लोगों द्वारा लोगों को मिला, एक एक आदमी को मिला, आधार से जुड़ा था, कोई बेईमानी नहीं कर पाया। लेकिन देखा जा रहा है कि बेरोजगारी काफ़ी बड़ी हुई है। बेरोजगारी तो हर समाज, हर सरकार में थी सर, हर सरकार में। पहले नौकरियां भी मिलती थी सरकारी, अब नहीं मिल रही। अभी भी मिल रही है, लेकिन नियम बदल गया है सर। पहले धांधली नहीं थी, पहले जो धांधली थी नौकरी में, अब नौकरी में कोई धांधली नहीं है सर। हम सुरक्षित हैं, इसलिए कि आवास जब मिला है, अनाज जो मिला है, वो सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी मिला है सर। विकास तो हुआ है सर, विकास की कोई बात नहीं है। महंगाई थोड़ा बढ़ा है तो महंगाई के आगे विकास अधूरा नहीं है, पूरा है अगर देखा जाए तो भाजपा सरकार में, है ना। भाजपा सरकार का तुलना करना और पार्टियों की अपेक्षा बहुत कम है जी। जैसे कि हम बता रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि ये है, वो है, वो है, ये है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मगर खाली मुसलमान के कंधे पर बंदूक रख करके अखिलेश जी चला रहे हैं। बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी थोड़ा बहुत कम हो ही रहा है। बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा, इसका तुलना करना भी मुश्किल है। सांसद जी कभी दिखने ही को नहीं मिले हमारे क्षेत्र में, तुम विकास की बात क्या कर रहे हैं? कौन है सांसद, किस पार्टी से हैं? शायद रविंद्र कुशवाहा जी हैं। किस पार्टी? बीजेपी से हैं शायद। क्या बेरोजगारी की समस्या है? बेरोजगारी हमारे कोई नौजवान कहाँ किस तरह का रोजगार पा रहा है? सांसद के कोटे से या और लोग के कोटे से पैसा, मतलब तो है नहीं रोजगार। विकास कितना हुआ? विकास मतलब क्या, ये हमारे नोटिफाइड एरिया का इलाका है जो हमारे कुछ करते चेयरमैन साहब करते हैं। अभी हमारे यहाँ मतलब समाजवादी के मतलब चेयरमैन हैं, वो बेचारे मतलब करते हैं। बिजली पानी सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क वगैरह तो कोई खास नहीं है, बिजली में कुछ सुधार है पहले से। हाँ, बिजली में कुछ सुधार है। आप मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब क्या बतलाया जाए, बस ऊपर वाला जिस तरह सड़क के उस तरीके से हम लोग हैं, लेकिन डर भय तो लगा ही रहता है। किस तरह का डर लग रहा है? तो बाबा की सरकार है, बाबा कह रहे हैं कोई डर ही नहीं है, कोई माफिया ही नहीं है। अब तो हम लोग जैसे निकलते हैं तो हम लोग को भय महसूस, दबाव जैसे नौजवान को हमारे साथ क्या कर देंगे, है कि नहीं, कुछ मतलब गलत नारा लगा करके। इसलिए ट्रेन में भी चलने में डर महसूस होता है, या यहाँ से निकलते किसी ऐसी जगह पर जहाँ हम लोग नहीं हैं, तो अपने आप को बहुत अंदर से खौफ महसूस होता है कि ऊपर वाला सुरक्षित हम लोग को मकाम तक पहुँचा दें, यही बात है। तो बाबा की सरकार में भी आप लोग खौफ से जीते हैं? नहीं, बाबा की सरकार की बात नहीं है, मतलब माहौल ऐसा बन चुका है हमारे देश का। किस तरह का माहौल बना है कि मतलब कहीं पर जाते हैं तो मतलब ये महसूस होता है कि कोई हमको कुछ गाली न दे दे, कोई हमको मार न दे, कोई हमको बुरा बुला न कर। अब पहले से बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।